आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती का पाठ 18 पढ़ेंगे। सूर्य नमस्कार एक दैवीय उपहार। सूर्य नमस्कार क्या है बच्चों? एक योगासन है। योग क्या होता है? योग आप जानते हैं, योग हमारी एक्सरसाइज व्यायाम होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक है। हमारे आजकल की जो जिंदगी है, हमारा समय जो चल रहा है, बहुत व्यस्ततापूर्ण, बहुत ही टेंशन वाला चलता है। हम बहुत सब बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। योग करने से और उसके अलावा आजकल की जो हम चीज़ें ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनमें शुद्धता भी नहीं होती, उससे हम बीमार भी बहुत रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया है, जिन कारणों से हमारे शरीर में बीमारियाँ भी होती हैं। तो हमें तनाव से, शारीरिक स्वास्थ्य से, इन चीज़ों से राहत दिलाने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं और क्या रहते हैं, फुर्तीले भी रहते हैं और हमें तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो इस पाठ में हम अलग अलग योगासन पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो है सूर्य नमस्कार को हम पढ़ेंगे अपने पाठ में। और योग होता क्या है? योग होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। उसके अलावा आप जानते हैं आजकल हमारा जो पर्यावरण चल रहा है, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह जो इस समय इसमें आगे बढ़ चुका है, जिससे हम बीमार भी होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए योग विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जो कि 21 जून 2015 से शुरू हुआ था और 21 जून को ही प्रतिवर्ष योग दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए बच्चों अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे और पाठ खोल लेंगे, पाठ 18 हमारा सूर्य नमस्कार। और मेरे साथ चलिए इसकी रीडिंग करते हैं, इस पाठ को समझते हैं। चलिए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं। तेज रफ्तार यानी कि तेज गति से चलने वाली जिंदगी में ऐसे कारण मौजूद हैं जो तनाव यानी कि मानसिक दबाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट आदि को जन्म देते हैं। यानी कि ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिनसे हमें तनाव होता है, थकान होती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान यानी कि शक्तिपूर्ण बनाए रखने के लिए योग ऐसी रामबाण दवा है जो मस्तिष्क को शांत तथा शरीर को स्वस्थ रखती है। रामबाण यानी कि तुरंत आराम देने वाला, रामबाण यानी कि तुरंत आराम आ जाए, जिससे ऐसी दवा है जो मस्तिष्क को शांत और शरीर को स्वस्थ रखती है। यानी कि हम योग अगर करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी शांत रहता है। योग शब्द का उद्भव यानी कि उत्पत्ति संस्कृत के युद्ध शब्द से हुआ है, युद्ध शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है जोड़ना। यानी कि योग शब्द की जो शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है? संस्कृत के युद्ध शब्द से। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग जीवन जीने की एक कला है। योग क्या है? कला है जीवन को जीने की। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग एक वैज्ञानिक मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला। हमें शरीर और मन को स्वस्थ रखना हो तो योग के द्वारा हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज के आधुनिक विश्व ने जीवन में योग के महत्व को समझ लिया है, इसलिए 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 21 जून 2015 में संपूर्ण विश्व में योग दिवस पहली बार मनाया गया। जी हाँ, देखिए विश्व योग दिवस, अब पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को, और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। योग कुछ आसनों का क्रम है, यानी कि कुछ आसन होते हैं जिन्हें क्रम से किया जाता है। इन्हें क्रम से करने पर सभी तरह के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। मुक्ति का अर्थ हुआ छुटकारा पाना। सभी प्रकार के योगासनों में से सबसे प्रभावशाली तथा लाभदायक है सूर्य नमस्कार। देखिए ये जितने भी आसन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है सूर्य नमस्कार आसन। प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अपने आराध्य देव के रूप में सूर्य की पूजा करता रहा है। बच्चों प्राचीन काल से सूर्य को पूजा जाता है, पहले भी लोग पूजते थे और आज भी हम पूजा करते हैं। आपने देखा है ना, नहा कर स्नान करने के बाद हम जल चढ़ाते हैं सूर्य को, सूर्य की पूजा करते हैं। मनुष्य ने सूर्य की उपासना से संबंधित अनेक परंपराएं व रीति रिवाज विकसित किए थे। इसी कारण सूर्य की उपासना को विभिन्न धार्मिक विचारों तथा संस्कारों से जोड़ दिया गया। इस वजह से क्या हुआ, इसे धार्मिक विचारों संस्कार से जोड़ दिया ताकि लोग किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा करके प्रकृति के अमूल्य उपहार का लाभ उठा सकें, ताकि हमेशा लोग सूर्य की पूजा करें। और सूर्य क्या है, हमारी प्रकृति से है ना, तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य ने भी हमें, सूर्य हमें देता है प्रकाश, देता है ऊर्जा, देता है गर्मी, देता है, तो इससे हमें हमेशा मिलता रहे इसलिए हम सूर्य को एक तरह से पूजते हैं। सूर्य संपूर्ण दुनिया के लिए ऊर्जा का अक्षत स्रोत है। अक्षत स्रोत का अर्थ होता है पूरा साधन है। इसलिए सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है।
ऊर्जा का अक्षत होता है, मतलब ऊर्जा हमें सूर्य नमस्कार से, सूर्य से मिलती है। सूर्य नमस्कार के सभी आसनों का समय, सभी आसनों का सार छिपा है। सार यानी निचोड़, जब जितने आसन होते हैं सबका निचोड़ इसमें छिपा है। सूर्य नमस्कार योगासन सुबह सुबह दैनिक क्रिया के बाद मुंह को पूर्व की तरफ करके करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए हमें? दैनिक क्रिया के बाद, यानी कि रोजाना की जो क्रियाएं होती हैं सुबह उठने के बाद, वो करके हम पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य नमस्कार करें। यह अकेला योगासन ही विभिन्न व्यायामों के बराबर फायदेमंद है। एक इसे ही कर लेंगे तो कई सारे व्यायाम को करने के बराबर लाभ होगा और इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। सूर्य नमस्कार योगासन का अभ्यास 12 स्थितियों में होता है। देखिए इसमें बताया कि 12 स्थिति में इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। आइए सूर्य नमस्कार के योगासन की विधियों को जाने। देखिए किस किस तरह से सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हाथों को जोड़कर सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े होंगे, नेत्र बंद करेंगे, ऐसे ही करना है देखिए बच्चों। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। देखिए जैसे ये कर रहे हैं ठीक ऐसे ही करना है। तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें, घुटने सीधे रहें। देखिए सूर्य नमस्कार की तीसरी स्टेज है, इस तरह से हमें करना है ये। चौथा है, इस स्थिति में सांस को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। देखिए जैसे ये बैठी है इसने अपना बायां पैर पीछे किया है, छाती को खींचकर आगे की ओर ताने, छाती आगे की तरफ लेके जानी है, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, गर्दन पीछे झुकानी है और पैर का पंजा खड़ा हुआ हो, इस पैर का पंजा खड़ा होगा आपका। पांचवी स्थिति देखिए, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं, दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हो इस तरह से। छठी स्थिति पे आइए, सांस भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत करें और पहले घुटने छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें। साष्टांग का अर्थ होता है बच्चों आठों सातों अंगों से, जैसे हृदय हो गया, हाथ हो गए, छाती हो गए, पैर हो गए, इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए पहले घुटने छाती और माथे को पृथ्वी पर लगा दें। इस तरह से घुटने छाती माथा, नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा लें, देखिए इस तरह से सांस छोड़ें, उसके बाद सांस को छोड़ते जाएं। अगली देखिए सातवीं स्थिति, इस स्थिति में धीरे धीरे सांस को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए पैरों के पंजे खड़े हों, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी पुस्तक में दिखाया गया है। इसके बाद आइए आठवीं स्थिति देखिए क्या है, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके, दोनों घुटने सीधे रखें, बिल्कुल ऐसे। अगली स्थिति है, इस स्थिति में सांस को भरते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर ताने, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, ऐसे। इस स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं चित्र में। अगली है ग्यारहवीं स्थिति, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने, ऐसे, तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे, ऐसे। यह स्थिति पहले स्थिति की भांति रहेगी ये वाली। अब देखिए सूर्य नमस्कार योगासन स्वास्थ्य का पुंज है, यानी कि योगासन जो है स्वास्थ्य की का समूह है। अगर आप स्वस्थ योगासन करें आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस योगासन को करने से शरीर को विटामिन डी मिलता है देखिए, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है और वजन को कम करने में यह बहुत मददगार होता है। देखिए बच्चों कितने सारे इसके फायदे हैं कि इसे करने से विटामिन डी प्राप्त होता है, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में खून का प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है और वजन कम होता है। यह क्रोध पर काबू रखने में सहायक होता है, इससे क्या होता है आपके गुस्से पर भी नियंत्रण होता है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और त्वचा रोगों की संभावना भी कम हो जाती है। किससे? सूर्य नमस्कार से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, विभिन्न प्रकार के विकारों से बचने के लिए हजारों लोग इसका अभ्यास अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में कर रहे हैं। यानी कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना हो तो, और कई प्रकार की बीमारियों से बचना हो तो हम अपनी दिनचर्या में, यानी कि अपने जो दैनिक कार्य होते हैं रोज के, जो हमारा रूटीन बना होता है, उसमें इसे भी शामिल करते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर तथा बुद्धि का विकास होता है। यह हमारे जीवन के तनावों को दूर कर हमें एक शांत जीवन जीने की ओर ले जाता है। देखा आपने कितने फायदे हैं सूर्य नमस्कार के। तो बच्चों देखिए आजकल आप भी घर पे हैं, सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है, बीमारियां भी कई आ जाती हैं बच्चों में,
बड़ों में, तो आप इसका फायदा उठाएं। आपके पास समय है, घर पर हैं, विद्यालय अभी आ नहीं रहे हैं, तो आप भी सूर्य नमस्कार को अपनाएं और इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, ताकि आप भी अनेक प्रकार की बीमारियों से बचें और दवाइयां आपको ना खानी पड़े, आप स्वस्थ रहें। और जानते हैं ना आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आप एक्टिव रहेंगे। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, आप भी इसे अपनाएं और जब आप सूर्य नमस्कार करें तो मुझे उसकी पिक जरूर भेजें। तो अब चलिए कठिन शब्द करते हैं। पाठ पढ़ने के बाद नोटबुक में सारे कठिन शब्द नोट करने हैं आपको। पहले देखिए, नोट करना है बिल्कुल ठीक देखकर, उसके अलावा उच्चारण भी सही होना चाहिए। जैसे मैं उच्चारित करूंगी आप भी इसे सुनकर उच्चारित करें। रफ्तार, विद्यमान, ऊर्जावान, रामबान, उद्भव, मार्गदर्शक, महत्व, मुक्ति, आराध्य, अभ्यास, व्यायाम, दिनचर्या, साष्टांग, स्वास्थ्य, पुंज। आपने सुना, एक बार और मैं इसका उच्चारण करूंगी, इसे सुनकर आपको भी ऐसे ही बोलना है। रफ्तार, विद्यमान, ऊर्जावान, रामबाण, उद्भव, मार्गदर्शक, महत्व, मुक्ति, आराध्य, अभ्यास, व्यायाम, दिनचर्या, साष्टांग, स्वास्थ्य तथा पुंज। इनको नोट करने के बाद आप शब्द अर्थ करेंगे, उसके बाद जो आपको मैं प्रश्न उत्तर दूंगी वो आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो अब चलिए कठिन शब्द करते हैं पाठ पढ़ने के बाद। नोटबुक में सारे कठिन शब्द नोट करने हैं आपको। पहले देखिए, नोट करना है बिल्कुल ठीक देखकर, उसके अलावा उच्चारण भी सही होना चाहिए। जैसे मैं उच्चारित करूंगी आप भी इसे सुनकर उच्चारित करें। रफ्तार, विद्यमान, ऊर्जावान, रामबान, उद्भव, मार्गदर्शक, महत्व, मुक्ति, आराध्य, अभ्यास, व्यायाम, दिनचर्या, साष्टांग, स्वास्थ्य, पुंज। आपने सुना, एक बार और मैं इसका उच्चारण करूंगी, इसे सुनकर आपको भी ऐसे ही बोलना है। रफ्तार, विद्यमान, ऊर्जावान, रामबान, उद्भव, मार्गदर्शक, महत्व, मुक्ति, आराध्य, अभ्यास, व्यायाम, दिनचर्या, साष्टांग, स्वास्थ्य तथा पुंज। इनको नोट करने के बाद आप शब्द अर्थ करेंगे, उसके बाद जो आपको मैं प्रश्न उत्तर दूंगी वो आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे।